अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। तो जी, शाम का टाइम हो चुका था, मियाँ साहब ने फिर मुझे किचन में घुसा दिया। आज तो बस मैं किचन में ही हूँ। 2 दिन की छुट्टी क्या होती है, बस ये कहते हैं किचन से बाहर ना आना, बस किचन में घर में ही बनाओ जो भी खाना बनाना है। तो बस फिर आपकी बहन अंडे आलू बना रही थी, कुछ समझ नहीं आता रोज़ रोज़ क्या बनाऊँ। लेकिन हमारे घर रोज़ एक एक टाइम की सब्ज़ी बननी होती है, उसने माशाल्लाह 3 टाइम या 4 टाइम चलना होता है। आपको तो पता ही है जैसे हालात हैं। बस फिर मियाँ साहब भी साथ साथ थे, उन्होंने मुझे कटिंग करके दे दी थी। मैं साथ साथ बर्तन भी धो रही थी, फिर मैंने आटा गूंदा जल्दी जल्दी, फिर मैंने उसके बाद साथ साथ बस खाना भी बना रही थी क्योंकि उनको भूख लगी हुई थी। पकोड़े खाने के बाद फिर उनको भूख लगी, उन्होंने मगरिब टाइम फिर मुझे कहा कि जाओ जी किचन में, फ्री नहीं बैठना। बस आज मेरी टांगों में भी बड़ा दर्द फिर जी, उस पर आपको क्या बताओ। अच्छा जी, मेरे आप चैनल को लाइक भी कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें, आगे आपको पता ही आपको कैसे करना है। बस फिर साथ साथ बर्तन भी धोती रही, साथ साथ खाना भी बनता रहा। बस आपको पता है स्पीड चेक करें बस आप मेरी, और मैं सिर्फ तो मैं सच में इतनी स्पीड पे ही लगी होती हूँ ये तो। मैं फिर भी वीडियो थोड़ी सी मैंने तेज़ फास्ट कर दी, मुझे पता होता है कि वीडियो बन रही है इसमें भी मैंने फास्ट करना। अच्छा मैं ये दिखा रही थी, देखें इसका नाम नहीं मुझे पता, लेकिन ना ये मैं पहन के खाना वगैरह बनाती हूँ और इसकी डोरी टूट गई थी ऊपर नहीं कहाँ है। और मैं इसको ऐसे ही पहन के बस लगी रहती हूँ। खैर कोई बात नहीं, छोटे छोटे घरों में ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हो ही जाती हैं। बस फिर फटाफट आपकी मैंने आटा गूंदा, फिर उसके बाद मैं थक गई थी तो ये जी हमने खाना खाया। कैसा लगा, अच्छा लग रहा है शक्ल से। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से भी होंगे और अल्लाह पाक रखे भी, और रमज़ान मुबारक आप सबको। बार बार मैं हर वीडियो में कह रही हूँ क्योंकि माशाल्लाह से जैसे जैसे दिन करीब आ रहे हैं माशाल्लाह से बहुत खुशी भी फील हो रही है और माशाल्लाह से बहुत अच्छा लग रहा है जैसे जैसे दिन मतलब के करीब आ रहे हैं रमज़ान के। अच्छा जी, मैं बस ऐसी बैठी थी, मैं मियाँ साहब का इंतज़ार कर रही थी क्योंकि वो आज फिर इंजेक्शन लेने गए हैं। तो मैंने कहा चलो मैं छोटी सी वीडियो बना लो, आपको पता है मेरी जो वीडियो होती है वो छोटी सी होती है। तो आप अपनी बहन को लाइक सब्सक्राइब और मुझे सब्सक्राइब करेंगे तो मेरी वीडियो आपके पास पहुँचेगी, वरना फिर इधर उधर आती जाती रहेगी। तो आप लोग मुझे सब्सक्राइब कर लें ठीक है, और खुदा के लिए मेरा टाइम वॉच भी कम्प्लीट करवाएँ और सब्सक्राइब भी मतलब कि मेरे कम्प्लीट करवाएँ। और सुनाए आप सब कैसे हैं, और बताया किस किस ने ईद की शॉपिंग कर ली, किस किस ने नहीं। और प्लीज़ मुझे कमेंट करके भी बताया करें, वीडियो देखते तो हैं लोग लेकिन कमेंट बहुत कम करते हैं, एक दो करते हैं ठीक है, लेकिन आप लोग लाइक भी दिया करें और कमेंट भी किया करें, और मुझे मैं अगर जिस चीज़ का कुछ पूछूँ तो उसका ना जवाब भी दिया करें। तो बस जी अब वेट हो रहा है। तो जी मियाँ साहब आज बड़े गुस्से में लग रहे थे और आज इन्होंने सच में सही नहीं लगाया, पता नहीं आज इनका मूड नहीं था सही है क्या है। बस इन्होंने ना बहुत ज़्यादा हाथ में मेरे पेन भी हो रही थी, लेकिन खैर फिर भी ना सही था माशाल्लाह से, सही से लगा दिया था। ओके जी, बार बार कह रही हूँ लाइक सब्सक्राइब ठीक है अच्छे बच्चों की तरह, और मुझे अपनी दुआओं में आप लोग याद रखना। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।